मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मैं मौजूद हूँ मुमरा के गांव देवी इलाके में और आपको बता दें कि यहां पर काफ़ी नशा करने वाले लोग बैठते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यहां पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनमें भी बुलेट से वार करके जो है उनके कपड़े, पर्दे, सीट वगैरह जो है फाड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर नशा करने वाले लोग आते हैं उनसे क्या तकलीफ़ हो रही है। पुलिस में भी शिकायत उन लोगों ने किया है, उनसे हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या है ना भाई, एक्चुअली मैं कल रात में 10:30 बजे घर पर आया और कैसा रहता है कि यहाँ पे माहौल जो है बहुत ख़राब है। एक्चुअली यहाँ पे चरसी, बेवड़े बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग को ना कैसा है, हमारा जो व्हीकल रहता है, गाड़ी जो भी है, वो हम लोग को एक सिस्टमेटिक लॉक वगैरह सब करना रहता है। तो मैं रात में 10:30 बजे यहाँ पे आया लॉक करने के लिए, तब मैंने वो देखा कि देखो मेरे जो यहाँ पे जो बैठते हैं सब चर्सी लोग, ये वुड फाड़ दिया है, देखो यार पर कर दिया इसका, ये यहाँ पे पर्दा फाड़ा है, ये यहाँ पे फाड़ा है, और अभी आप अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी सब सीट वगैरह फाड़ दिया है, ऊपर से वो वुड अस्तर जो रहता है अंदर वो भी पूरा फाड़ दिया। तकरीबन अभी मेरा ये 12,000 का खर्चा है अभी मुझे ये चीज़ का। और रही बात, यहाँ पे मैंने कुछ 1/3/2023 को, हाँ 1/3/2023 को मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन में अर्जी दिया था कि आप पुलिस राउंडअप यहाँ पे बढ़ाओ, लेकिन वो अर्जी पे अभी तक कुछ कार्रवाई होते हुए दिखी नहीं। 19 अप्रैल के दिन भी यहाँ पर कुछ लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, जी उन्होंने भी वो रोहित, ये डिजिटल महाराष्ट्र करके न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे 19 अप्रैल का न्यूज़ है, यहाँ पर चलाया गया था। उसके बाद भी 2 दिन कार्रवाई दिखी, बाद में कुछ कार्रवाई दिखी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमेशा बैठे रहते। आप 10 बजे के बाद अगर यहाँ पे आओगे रात में, यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, यहाँ पे सब बेवड़े लोग बैठे रहते हैं 10 बजे के बाद रात में। ना यहाँ पे लाइट है ना कुछ है, अंधेरा है, और हर 2-3 दिन में लाइट का पोल वहाँ से बंद किया जाता है, पूरी लाइट चली जाती है। हर 2 दिन में मैं संबंधित कर्मचारी जो रहते हैं लाइट के, उनको फ़ोन करके लाइट फिर चालू करवाता हूँ। वो लोग खुद बंद कर देते हैं, वो यहाँ पे बैठे बैठे खड़े खड़े कोई कर देता होगा, हर 2 दिन में लाइट क्यों बंद होगी? अगर कोई कंप्लेंट वगैरह तो अभी किया नहीं, लेकिन मैं अभी फिर जाऊंगा पुलिस स्टेशन में अर्जी देने के लिए कि आप यहाँ पे पुलिस राउंडअप बढ़ाओ, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और कई लोग हैं जिनको यहाँ पे तकलीफ है, मेरा रिक्शा तो छोड़ दो, यहाँ पे और कई लोगों को देखो तकलीफ कितना है। यहाँ पे जो पेंसिल है वो वहाँ पे खड़े रहते गेट पे, वहाँ पे चिल्ला पुकार, गाली गलौज सब चीज़ की करते, आप उनसे ही पूछ लीजिए। बोला माझे दरवाजा सामने असे छोकरे लोग रहते, खड़े रहते सब लोग सिगरेट ओढ़ते, मारा मार मारा पीट होता है इधर। हाँ कहाँ पे खड़े रहते? इधर गेट के सामने, ये उधर, हाँ एकदम ऐसे दरवाजे पीटे, ऐसा कागज कुछ लगाया तो भी तोड़ देते है सिगरेट के। दादागिरी एक बोला ना कर, सब लोग चोकरे लोग आते इधर। मेरे भाई को क्यों बोला, मेरे दोस्त को क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, मैं इधर रहता हूँ तो तेरा दरवाजा इधर है तो मैं इधर है ना, तो मैं बोली मेरा दरवाजे के पास सामने नहीं रहने का खड़ा, ऐसे बोल दी साइड में रो। नहीं करा कुछ, शिकायत करेगा तो ज़्यादा करते, हमारे दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। मेरे लड़के लोग नाइट ड्यूटी करके आते हैं, उसको सोने नहीं देते और बहुत परेशानी है। चिल्लाएंगे ना हम लोग तो वो लोग चिल्लाते हैं, बोले हम लोग खड़े रहेंगे इधर ही, ऐसे बोलते हैं। बहुत परेशानी है हम लोग को, दिन में भी रात में भी खड़े रह के चिल्लम चिल्ली करते, झगड़ा करते, गंदी गंदी गाली देते, क्या क्या बोलते है वो लोग, कुछ बोलते है, बहुत परेशानी है। हम लोग चिल्लाएंगे ना तो हम लोग को चिल्लाते गुस्से थे, मैं दे क्या करूँगी अपने आपको ही वो लोग गाली गलौज देते, लेकिन क्या है सुनने वाला बेकार लगता है ना, हम लोग भी तो औरत बाल बच्चे वाले गंदे गंदे गाली गलौज किसी को नहीं देंगे,
लेकिन आपस में ही झगड़ा करके अपने अपने इसमें मस्ती में गाली गलौज गंदे गंदे, वो सुनने को अच्छा नहीं लगता है। बोलेंगे तो बोलते हैं हाँ, उतने बोलेंगे बाबा मत चिल्लाओ, चले जाते, फिर दोबारा वही हालत। खड़े रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सबको माँ बहन सबको है। नहीं देने का हमको क्या, हम थोड़ी बोलते कि मत आओ ये हम करो, लेकिन और यहाँ पर जगह जगह पे दारू के अड्डे, जुगाड़ के अड्डे काफ़ी सारे है। बहुत बार यहाँ से कंप्लेंट भी गई है मगर कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है, ये बड़ी दिक्कत है। तो क्या होता है, जब वक्त होता है वो दारू पीते, चरस गांजा यहाँ पर तो मिलता ही है, तो पिएंगे खाएंगे यहीं पर मंदिर में आएंगे। दूसरे लोगों को तकलीफ होती है ना इन सभी लोगों से। परिसर का इलाका है, बाउंड्री भी है चारों तरफ से, तो क्या इसी के अंदर बैठते हैं क्या? हाँ, यहीं पर आते हैं दिन भर। आप कभी भी आओ यहाँ पर बैठेंगे दिन भर, चालू चिल्ला पुकार। अभी हम तो चलो ड्यूटी पर चले जाते हैं मगर हमारे घर में फैमिली होती है, अभी उनसे कभी मच करने जाओ तो झगड़ा बहुत बार हो चुका। विनय भाई क्या बताओगे आप? लमुद्दीन भाई कैसा है मालूम है कि यहाँ के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि पूछो मत। मेरा तो इतना ही कहना है पुलिस प्रशासन से, 10 बजे के बाद एक राउंडअप हो जाए और जो भी मंदिर में दिखा उसे सीधा उठा के लेके जाए, चाहे वो रहवासी हो, रहवासी हो या चाहे बाहर का हो। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बाहर के लिए बुलाया जाता है, लड़के लोग पीने के लिए चरस वगैरह, ये तकलीफ है। वो सामने आप देख रहे हो उनके दोनों मीटर के बॉक्स तोड़ दिए थे, और मीटर के बॉक्स का क्या लेना देना। बहुत से ऐसे कुछ है मैसेज देना है, पर ये सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन को ये बोलना है कि 10 बजे के बाद इधर राउंडअप हो जाए, यहाँ पे जो भी मिला आप बिंदास पकड़ के लेके जाइए उनको। मेरा भाई तो बहुत पेट्रोल चोरी हो रहा है, गाड़ी खड़ा करके जा रहे हैं तो पेट्रोल निकाल के लेके जा रहे तोड़ के लोग। हाँ बहुत दिक्कत है, कितना बार हो गया, मेरा आदमी तो निकाल निकाल के पेट्रोल घर में रख के जाते हैं, घर में सोते हैं तब, कितना बार हो गया, किसको तो बोले गाड़ी है, नहीं नहीं दो गाड़ी है बाइक। हाँ कितना बार लेके जा रहे भाई निकाल निकाल के तोड़ के, वो लोग करेंगे लोग तोड़ के लेके जा रहे हैं। हाँ क्या करेंगे, दरवाजे पे खड़े करके फिर भी लेके चले जा रहे हैं रात में। हाँ